हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको सोयाबीन के गुणों के बारे में बताएंगे और इसे उपयोग में लाने की विधि किस प्रकार है इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, प्रोटीन शरीर के लिए और शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्रायः हमारे भोजन में इसकी कमी बनी रहती है। जिन खाद्य पदार्थों से हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, वह इस महंगाई के समय में कम आय वाले वर्ग में लगातार दूर होते जा रहे हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चे, विशेषकर गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं में अनेक विकार और रोग हो जाते हैं। सोयाबीन प्रोटीन की इस कमी को दूर करने का एक सस्ता तथा सशक्त साधन है। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन, 20% वसा, 30% कार्बोहाइड्रेट और प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, लोहा और विटामिन पाए जाते हैं। अब हम आपको कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनकी तुलना अगर आप सोयाबीन से करें तो आप जान जाएंगे कि उनमें प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है। सूखी मटर में 10% ही सोया प्रोटीन होता है। उड़द दाल में 26%, अरहर की दाल में 22%, मूंग की दाल में 24%, अंडे में 13%, मूंगफली में 28%, दूध में 3.5%, और जबकि सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। उपरोक्त तालिका बताती है कि सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत की दृष्टि में सबसे अधिक है। साथ ही उपरोक्त अन्य पदार्थों की तुलना में इसका मूल्य भी सबसे कम है। सही रूप में यह एक पूर्ण आहार है। प्रोटीन की कमी को दूर करने की दृष्टि से सोयाबीन का उपयोग दैनिक भोजन में प्रचुरता से करना चाहिए। अब हम आपको इसको उपयोग में लाने की विधि बताएंगे। सोयाबीन को साफ करके पानी में भिगो दें। 8-10 घंटे बाद हाथ में रगड़कर आप इसका छिलका निकाल लें। फिर साफ पानी से धोकर 10-15 मिनट उबालें। फिर धूप में अच्छी तरह सुखाकर आप इसे रख लें। इसे भिगोकर आटा तैयार करें। इस प्रकार उपचारित सोयाबीन से आप अनेक मीठे व नमकीन व्यंजन बना सकते हैं, जो कि सस्ते एवं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको सोयाबीन से जुड़ी कुछ खास बातें बताई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज़ इसी तरह आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम जल्दी आपको उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।